बच्चों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस मदर स्वाग में आपका स्वागत है। आज कक्षा 7 में विषय भूगोल अध्याय 3 वायुमंडल, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल हमारा बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है, और यह केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, पृथ्वी के हजारों किलोमीटर ऊपर तक भी सीमित है। और ये वायुमंडल जो है ये मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है इसका। अगर वायु ना हो तो मनुष्य कुछ क्षण तक ही जीवित रह सकता है। जैसे देखिए, ये विडंबना है कि हमको जो चीज जितनी आवश्यक है ईश्वर ने वो चीज हमको फ्री में दी है। फ्री मतलब कुछ भी लेना देना नहीं है, जो चीज हमको जितनी जरूरत है उतनी ही फ्री है। जैसे वायु सबसे ज्यादा जरूरी है, मनुष्य बगैर वायु के कुछ क्षणों तक ही जीवित रह सकता है, तो वह हमको ऐसे ही मिल रही है बगैर किसी पात्र के। उसको लेने नहीं जाना कि थैला चाहिए, गिलास चाहिए, बॉटल चाहिए, इनकी जरूरत नहीं है। वो फ्री में वायुमंडल में तैर रही है, और ऑक्सीजन प्राणवायु। उसके बाद आइए पानी। वायु के बगैर तो मनुष्य कुछ क्षण जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। तो पानी के लिए, पानी भी हमको फ्री अवकाश है, और इसके लिए हमको जरूरत क्या पड़ती है, पात्र की जरूरत पड़ती है। ना भी पात्र हो तो हाथ से काम चल जाता है, लेकिन पता नहीं ऐसी भी जगह हो जाती है कहीं पानी नहीं मिलता, तो हम बॉटल अपने साथ रखते हैं, गिलास रखते हैं, गिलास से पी लेते हैं लेकर के। तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए हमको केवल पात्र रखना पड़ता है। फिर तीसरा स्टेप आता है भोजन का। वायु और पानी मिल जाए, भोजन महीनों ना मिले तो मनुष्य जीवित रह सकता है। उसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत होती है भोजन के लिए, क्यों? क्योंकि वो इतना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो आज वायुमंडल में यही आपको बताया जाएगा कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, और पृथ्वी में जो जीवन है यह वायुमंडल के बगैर संभव नहीं है। वायुमंडल में जो है अनेक गैसें होती हैं। जैसे ये हमारा वायुमंडल है, इसमें अनेक गैसें हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी जो मात्रा है गैस की वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है 20.95, लगभग आपका 21% ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी 0.3% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.3% होती है। फिर उसके बाद जो भी गैसें बचती हैं वो अन्य गैसों में आ जाती हैं। अन्य गैसें, और इनका परसेंट होता है लगभग 1%, 94% या अप्रोक्स 1% इनका। तो ये हमारा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का
का मिश्रण है, इतनी गैसें वायुमंडल में विद्यमान रहती हैं। अब वायुमंडल की, ये तो हमारा वायुमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ये इतनी गैसें होती हैं। अब आपको बताना समझना है कि वायुमंडल की संरचना कैसे होती है, वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है। वायुमंडल ये पांच परतों का समूह होता है, पृथ्वी से लेकर के हजारों किलोमीटर ऊपर तक पांच मंडल पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है थोक मंडल। ये आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के जो सबसे नजदीक होता है वो होता है थोक मंडल। थोक मंडल, इसके ऊपर होता है संताप मंडल। ये दूसरा नंबर हो गया संताप, पहला थोक मंडल, दूसरा संताप मंडल। फिर इसके ऊपर आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आता है ताप मंडल। ये पांच मंडल होते हैं वायुमंडल में, जो क्षोभ मंडल होता है, जो क्षोभ मंडल होता है ये पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, और यह लगभग जो है पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक थोक मंडल होता है। कितना एरिया पृथ्वी के ऊपर थोक मंडल कहलाता है, और यह जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वायु मंडल। ये चार मंडल हम आपको नेक्स्ट अभी आपका इतना ही, और इसको बताने के बाद फिर आपको अतिलंब क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है? ओके।